नमस्कार, मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में आज नागपुर में विभिन्न संस्थानों में स्वतंत्रता दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पुलिस आयुक्त कार्यालय, नागपुर महानगर पालिका, विभागीय आयुक्त कार्यालय और नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। पुलिस आयुक्त कार्यालय में इस अवसर पर 25 पुलिस कर्मचारियों का विशेष कार्य के लिए सम्मान भी किया गया। दीडशे वर्षाच्या गुलामगिरीतून आपल्या देशाला मुक्तता मिळाली। स्वातंत्र्य युद्धाच्या लढ्यात अनेकांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली। दुसऱ्या नंबरवर आहे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचं प्रशासकीय स्तरावर कोरोना निवारणार्थ उल्लेखनीय काम करणारे अधिकारी आणि कार्यालय यांना प्रशस्ती पत्र देणार आहे। यांचा क्रमांक 3 नंबर राहणार आहे। नंबर महावास अभियान राज्य पुरस्कृत योजना दिवस साजरा करीत आहोत। कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी त्यांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांच्या हस्ते प्रथम thank you.
शासनातील तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार व तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री रवींद्र ठाकरे व जनसभेतील सर्व सहकाऱ्यांना तसेच मनपा आयुक्त राधाकृष्णन या सर्वांना या ठिकाणी मी मनपूर्वक त्यांचे आभार व्यक्त करून त्यांना या दिवसाच्या शुभेच्छा देतो। भारतीय स्वातंत्र्याचा चौऱ्याहत्तरावा भगर बहुजनांचं सर्वांचे प्रतिनिधित्व करताना या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून झेंडावंदन करण्याची भारतीय लोकशाहीने मला जी संधी दिली। मार्च 2020 मध्ये नागपूर शहरात पहिला करोना रुग्ण आढळला आणि आपल्या संघर्षाला सुरुवात झाली। मला माहिती आहे या 2 वर्षाच्या काळात आम्ही आमच्यातील राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आघाडी सरकारने करोना नियंत्रण केंद्राची संख्या वाढविण्यात आली आहे। सध्या नागपूर जिल्ह्यात 12,049 खाटा निर्माण करून वैद्यकीय सोयी सुविधा सक्षम करण्यात आल्या आहेत। 66 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सिजनची आवश्यकता पडायची तर दुसऱ्या लाटेमध्ये 194 मेट्रिक टन प्रतिदिवस पर्यंत ती गेली। या परिस्थितीत सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित येऊन दाढे केले, माननीय जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मदत केली याचा मी येथे सन्मानपूर्वक उल्लेख करतो। माझ्या नियोजनातून मिशन ऑक्सिजन राबविण्यात आले। पालकमंत्री म्हणून नागपूरला मोठ्या प्रमाणात निधी खेचून आणण्यात यश आले। पहिल्या लाटेसाठी 170.91 कोटी तर दुसऱ्या लाटेसाठी 178.81 कोटी असा सुमारे 341.72 कोटी निधी आतापर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे। पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत आतापर्यंत 10,116 नागरिकांचे प्राण करोनामुळे गेले। या सर्व कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत। मात्र आता आमचे पुढील लक्ष आहे तिसरी लाट समर्थपणे रोखण्याचे। वैद्यकीय तज्ञांच्या सूत्रानुसार पेक्षा 1.5 पट अधिक संख्येने ऍक्टिव्ह रुग्ण असण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे ऑक्सिजन देखील अधिक लागू शकतो। यासाठी नागपूर जिल्ह्यात शासकीय व खासगी रुग्णालय मिळून 23 PSA प्लांट बनवण्याचे काम तत्काळ सुरू आहे। तिसऱ्या लाटेमध्ये लहान मुले मोठ्या संख्येने बाधित होण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व रुग्णालयातील 10% बेड लहान मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे। तिसऱ्या लाटेला समर्थ तोंड देण्यासाठी माझ्या पारेषण कंपनीमधून 25 कोटी निधीतून प्रत्येकी 11 आर्थिक क्षमता असलेले 200 लसीकरण वाहने नागपूर आणि अमरावती महसूल विभागासाठी महापारेषण कंपनीच्या CSR निधीतून खरेदी करण्यात आले आहे। करोना काळात 23 पोलीस अंमलदारांचा मृत्यू झाला। लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्यात रेमडेसिवीर सारख्या इंजेक्शनचा काळा बाजार झाला आणि त्या सर्वांवर या ठिकाणी गुन्हे कायम करण्यात आले। 15 गुन्हे या ठिकाणी दाखल करण्यात आले। या निमित्तानं मी शहराचे पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार यांना सुद्धा धन्यवाद देईल की त्यांनी फार चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी काम करून आम्हाला सहकार्य केले। जिल्ह्यात आता मोजके कोविड पॉझिटिव्ह रुग्ण असून त्यांची संख्या सध्या 30 ते 40 रुग्णांपर्यंत मर्यादित झाली आहे। निराधार अनाथ दिव्यांग आणि रस्त्यांवरील नागरिकांना शिवभोजन केंद्राची मोलाची मदत झाली। जिल्ह्यात 57 शिवभोजन केंद्र सुरू आहे। एकट्या नागपूर शहरात 10,60,000 थाळीचे वितरण या काळात झाले, हा एक विक्रम आहे। राज्य शासनाने आर्थिक भूर्दंड सहन करीत निराधार नागरिकांना अन्नदान देण्याची मोहीम या माध्यमातून राबविली आहे। कामगार कल्याणकारी मंडळाने या काळात काम बंद असणाऱ्या कामगारांना केलेली मदत उल्लेखनीय ठरली आहे। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून गेल्या 2 वर्षात 956 रुग्णांना 4.2 कोटी रुपये मदत करता आली। जिल्ह्यात एकीकडे कोविडचा लढा तर दुसऱ्या बाजूला विकासाच्या मार्गाने वाटचाल कायम सुरू आहे। 54.37 एकर भूखंडावर इंदिरा गांधी बायोडायव्हर्सिटी पार्कच्या निर्मितीस लवकरच प्रारंभ करण्यात येईल।
शहरातील समतोल विकासाची वाट आम्हाला धरावी लागेल. नर्चरिंग नेबरहूड चॅलेंज साठी नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडला 1 कोटीचा पुरस्कार मिळाला, त्यासाठी मी त्यांचे देखील या ठिकाणी अभिनंदन करतो. यावर्षी स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या शानदार सेलिब्रेशन या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत. महानगरपालिका 75 चौकांचे सौंदर्यीकरण या वर्षभरात करणार आहे. अन्य शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांची रेंजेल असेल याची काळजी मी घेणार आहे, त्यामुळे आणखी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. मियांसोबतच जिल्हा कौशल्य विकास विभाग, जिल्हा उद्योग कार्यालय, पतपुरवठा करणारी विविध महामंडळे यांना देखील विनंती आहे की रोजगार निर्मिती आणि रोजगार संधी तसेच उद्योजक वाढतील यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये कसूर करता कामा नये. जिल्ह्यामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 10% लोकसंख्या आदिवासी समाजाची आहे, 490 कोटी रुपयापर्यंत आहे. मात्र ही टक्केवारी लक्षांक पूर्ण करणारी असावी. शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, नवनवीन प्रयोग आणि क्षेत्रामध्ये मुबलक पाणी पोहोचेल ही जबाबदारी कल्याणकारी राज्यकर्ते म्हणून आपली आहे. त्यासाठी सिंचनाची क्षमता वाढविणे गरजेचं आहे. जिल्ह्यातील सिंचनाची सध्या क्षमता 1.61 लक्ष हेक्टर आहे. आणि यानंतर एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जल आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जल आरोग्य राष्ट्रसंत तुकडोजी, त्यानंतर शासकीय कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रशासकीय सन्मान करण्यात येणार आहे. हा आपल्या कार्यक्रमाचा तिसरा भाग आहे. तर संजय चिंकर आरोग्य अधिकारी महानगरपालिका, डॉक्टर नितीन प्रसुंती, रवींद्र सरनाई सदस्य जिल्हा कोविड टास्क फोर्स, डॉक्टर सहाय्यक प्राध्यापक शासकीय मेडिकल कॉलेज नागपूर, पंचायत सावे सर्वोत्कृष्ट ग्राम पंचायत सावे बडेगाव, ready.
Ya, mago, mago. मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और ये उत्सव हम लोग सब मिलकर मनाएंगे। आज जो झंडा फहराया है मैंने, ये मेरे लिए बहुत शान और गर्व की बात है। और इस देश का नाम ऊंचा रहे, हमारे राज्य का नाम ऊंचा रहे और नागपुर का विशेषतः कुछ अच्छा हो पाए, लोगों का विकास हो सके, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगी और बहुत खुशी हो रही है। जनता को क्या मैसेज देना? जनता को अभी मैं सावधानी का ही मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि कई जगह डेल्टा प्लस, आई थिंक हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में गोंदिया में डेल्टा प्लस के वेरिएंट्स मिले हैं, तो सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि सबको फ्रीडम है रात के 10 बजे तक घूमने का, तो मास्क पहने रहिए और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए और कभी भी बेसावध ना रहिए, मैं यही कहूँगी। और ऑफकोर्स मतलब पूर्वक शुभेच्छा हर चीज़ के लिए। स्वतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हमारे माननीय महापौर और हमारे आयुक्त महोदय पधार चुके हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सुपुत्र होऊन गेले, पण भारत मातेच्या मस्तकावरच्या राजमुकुटात विराजमान अनेक मातेच्या मस्तकावरच्या मुकुटात विराजमान अनेक अनमोल रत्ने त्यांना स्मरून आज ध्वजारोहण करून त्यांना सलाम देण्याचा आजचा हा दिवस। सन्माननीय अतिथी यांना विनंती करते की आपण या ध्वजारोहण कार्यक्रमाला ध्वजारोहणाचा सलामचा हा मान स्वीकारावा अशी मी आदरणीय महापौरजींना विनंती करते की त्यांनी ध्वजारोहणाची
जयंत तिवारी व आमच्या नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त आदरणीय श्री राधाकृष्णजी यांना विनंती करते की आपण मानवंदना व भारतीय प्रशासकीय सेवा मानवंदना स्वीकारली अशी त्यांना विनंती करते. सहकार्याने शक्तीचा गुणाकार होतो, फायद्याचा वर्ग होतो, श्रमाचा भागाकार होतो. संपूर्ण परेड करता सहकार्य आणि शक्ती परेड त्यासाठी मार्गदर्शक श्री विमला चंदनगिरे उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी यांच्या आजादी का राष्ट्रीय पर्व तो साक्षी बनाने की हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं. इस मंगल प्रसंग पर परेड का नेतृत्व जो कर रहे हैं और जिन्हें मान्यता दी जा रही है वो है हमारे माननीय महापौर दयाशंकर जी तिवारी, माननीय आयुक्त राधाकृष्ण जी, हमारे जापासी भाई कदम से कदम मिलाकर अपने देश की रक्षा करने की सभापती यांना सुद्धा मी विनंती करते की त्यांनी मंचवर आपलं स्थान स्वीकारावं. अतिथे देवो भव म्हणणारी आमची संस्कृती आम्ही स्वागत करतो आहे आजच्या अतिथींचं. राष्ट्रीय समारंभाचे प्रमुख अतिथी सन्माननीय मनपा नागपूर यांचं स्वागत करण्याकरता मी आमंत्रित करते. आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर हमारे उपमहापौर, हमारे नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त माननीय श्री राधाकृष्ण जी अविनाश जी ठाकरे, तालेवर सर को कि हमारे विपक्ष नेता माननीय तानाजी मानमीना, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ उपायुक्त. उपायुक्त भगत सराम प्रभाग क्रमांक 14 अ के नगर सेविका श्रीमती शिल्पा धोटे जी उपस्थित है, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ. नगर सेविका श्रीमती शिल्पा धोटे नगर सेवक निशांत गांधी यांच्या स्वागताकरिता मी आमंत्रित करते. आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. मंच पर उपस्थित उपमहापौर, आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष और उस संघर्ष के बाद शहादतों की श्रृंखला और उस श्रृंखला के बाद प्राप्त इस देश की आजादी हमें मिली है. मैं आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. इतिहास का यह सच है कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महत्तम भूमिका रही है. यह भी सच है कि इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करके जन जन के सहयोग से राष्ट्र के प्रति अलग अपने प्राण भी दिए हैं. मैं अगर इसे नागपुर शहर की बात करूं तो इसे नागपुर शहर के कलेक्ट्रेट पर नागपुर में बनी हिंदुस्तानी लाल सेना ने 3 दिन तक के आधिपत्य स्थापित किया.
अब कलेक्ट्रेट पर आधिपत्य स्थापित करने का मतलब होता है कि शहर के संपूर्ण प्रशासन को संचालन करने का काम नागपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने श्याम नारायण कश्मीरी, मगनलाल बागड़ी, श्यामलाल श्रीवास, बाबूलाल गुप्ता, इनके नेतृत्व में इसी नागपुर शहर में किया। और अंग्रेजी सेना जब कलेक्ट्रेट को मुक्त कराने के लिए आई तो आप देखिए, पहले कामठी रोड से आई तो पीली नदी के पुलिया को तोड़ने का काम हिंदुस्तानी लाल सेना ने किया। जब मौदा से आई तो कन्हान नदी के पुलिया को तोड़ने का काम हिंदुस्तानी लाल सेना ने किया। इतना ही नहीं, जब वाया पारशिवनी यह सेना सामने सदर छावनी होते हुए रेलवे स्टेशन के पुरानी पुलिया पर पहुंची और नागरिकों ने उस सेना को रोकने का प्रयास किया तो सेना ने कौशन देकर के कहा कि हटिए अन्यथा गोली चला देंगे। इसे नागपुर नगरी के शंकर महल्ले के पिता 1942 के आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर रास्ते पर निकल पड़े करो या मरो, ब्रिटिशों की गोली से उनका बलिदान हो गया। उस परिसर के सारे नागरिकों ने घर से बाहर निकल करके लकड़ा पुल की पुलिस चौकी को जला दिया और लकड़ा पुल की पुलिस चौकी को जलाने के बाद उस क्षेत्र के नागरिकों की गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई। नौजवान शंकर महल्ले अपने घर से पुलिस चौकी गया और उसने कहा कि मेरे पिता का बलिदान हुआ है, इसलिए पुलिस चौकी को मैंने जलाया है, किसी नागरिक को परेशान मत कीजिए। 17 साल का शंकर महल्ले, उसके साथ 13 लोगों को नामित करके उनके नाम पर गुनाह दर्ज कर दिया गया। ब्रिटिश रूलिंग ने उन्हें फांसी की सजा दे दी और 17 साल का व्यक्ति नाबालिग होता है, इसीलिए उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, तख्ते पर नहीं लटकाया जा सकता। इसलिए 1 साल जेल की सीकरों के अंदर शंकर महल्ले को बंद करके रखा गया। और कल्पना कीजिए कि जिस दिन उसका जन्मदिन था, जिस दिन वो 18 साल का हुआ, उस दिन 18 साल 1 मिनट होने की रास्ता नहीं देखा ब्रिटिश सरकार ने, उसे उसके जन्मदिन के दिन रात 12 बजे फांसी पर लटकाने का काम इस नृशंस प्रशासक ब्रिटिश रूलिंग ने किया। शाह के दरबार में अपने पिता के साथ गया और पिता ने कहा कि मुजरा कीजिए, तो शिवाजी ने कहा कि मेरा सर मेरे भगवान और मेरे भारत माता के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। 7 साल के शिवाजी। शुरू आया था Right.
पुलिस निरीक्षक सुनील गांगुर्डे, पुलिस स्टेशन पारडी। तसेच त्यांना विशेष सेवा पदक हे सुद्धा मिळालेले आहे। माननीय महोदय यांना विनंती करतो की त्यांनी ते सुद्धा सन्मान चिन्ह त्यांना प्रदान करण्यात यावे। पुलिस उपनिरीक्षक विजय नेमाडे, पोलीस स्टेशन MIDC समोर। पुलिस हवालदार दिनेश यादव,
बिलेट मारूंगा फटाफट। पुलिस स्टेशन यशोधरा नगर। WNPC पुलिस स्टेशन सीतावर्डी। रेड सावधान। सामान यहाँ पर सामान चिन्ह करें समक्ष आगे के आदेश। मेडल लवकर आता मिळाला पाहिजे। पीछे हो जाओ नागपूर शहर पुलिस दलांतर्फे सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्य दिवसी निमित्ताने सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। आप देख रहे थे महाराष्ट्र TV 24। नमस्कार।